दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप भी इस तरीके की कपल पिक जनरेट करना चाहते हैं नेम के साथ गर्ल और बॉय की, तो आप भी फ्री में जनरेट कर सकते हैं एआई की हेल्प से। अगर आप भी इस तरीके की पिक को जनरेट करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना होगा, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करा। ओपन करने के बाद यहाँ आपको एक वेबसाइट को टाइप कर लेना है, बिंग इमेज क्रिएटर। तो यहाँ मैंने यहाँ वेबसाइट को टाइप करा। टाइप करने के बाद आपको यहाँ फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगी, इमेज क्रिएटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ मैं आपको एक बात इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो यहाँ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट बिंग अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट बिंग अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो इसका मैं लिंक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग अकाउंट क्रिएट कैसे करें। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन इसके बाद यहाँ आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा, तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे पास कुछ प्रॉम्प्ट है। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये अपने साइड से लगा, तो मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैंने पेस्ट करा। पेस्ट करने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्रिएट, तो आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे टेक ए सम टाइम, कुछ समय लेना होगा आपको। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपकी जो पिक थी वो जनरेट हो जाएगी। अगर आपको ये पिक पसंद नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आपको अगेंस्ट से दोबारा से आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अगर आपको पिक पसंद नहीं है तो इससे भी बेस्ट आपको पिक देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हमें ये पिक को सेव कैसे करना है। सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो भी हमें पिक पसंद आ रही है उस पिक पर हमें क्लिक कर देना। जैसे मैं इस वाली पिक पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ आपको थ्री डॉट की लाइन देखने को मिलेगी साइड में। थ्री डॉट की लाइन पे क्लिक करना है, देन उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो आप वन बाई करके आप सभी पिक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रॉम्प्ट में चेंज करना है तो आप इस प्रॉम्प्ट में चेंजेस भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी आप अपना नेम रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके की पिक को जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।